अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। और पिछले दिनों मैंने वीडियो लगाई थी, आपने देखी है, 3 महीने तो हो गए हैं। अब जो है ना मेरा गार्डन वो बड़ा हरा भरा हो गया माशाल्लाह। ये दिखाएं जी, ये देखें, ये आइसबर्ग के पत्ते कितने ज़बरदस्त हो गए हैं माशाल्लाह। और ये ऐसे ही देख के मज़ा आता है। और ये ब्राउन वाली देखें सैलेड कितनी आला हो गई है। और ये नॉर्मल जो सैलेड पत्ता हमारा होता है। और असल में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, असल मकसद जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक मिनट ठहरें, पहले मैं ज़रा छुरी कांटे तेज़ कर। ये देखें जी माशाल्लाह, ये आपको दिखाई थी जब मैंने लगाई थी, अब इसको 2 महीने हो गए हैं, ये अब खाने के काबिल हो गई है जी ब्रोकली। ये देखें ज़रा माशाल्लाह, इसके बाद अगर ये बड़ी हुई तो इसके ऊपर ये दाने दाने से बन जाएंगे, फिर इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी बिस्मिल्लाह करके ना इनको छोड़ देता हूँ। ये सबसे बड़ा है, ये पहला काटते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ज़रा सुबहानअल्लाह, इसको स्टीम करके खाने से मज़ा आता है। सैलेड के लिए मैं निकाल रहा हूँ, अभी दोपहर का खाना बनना है। और इनको अगर अब हमने ना निकाला ना तो ये फिर वो हो जाएंगे जैसे भिंडियाँ मोटी होके नहीं हो जाती कि खाने के काबिल नहीं रहती, और उस तरह ये हो जाएंगे। अभी हमने इनको निकालना ही निकालना है। ये देखें ब्रोकली यार, सब्ज गोभी, सीधी सीधी गल है, सब्ज गोभी। ये गोभी की फैमिली है, उनकी बहन भाइयों में से कोई एक। ये निकालेंगे जी अज़र साहब, एक हम ये निकालेंगे। और ये हो गया जी। अच्छा जी, इसके साथ सैलेड के लिए एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पालक, ये अब ये देखें, ये ज़्यादा पक गई है, ठीक है ना। असल में सैलेड में थोड़ी सी पालक भी खानी चाहिए, और इस किस्म के दरमियाने पत्ते। ये जो शायद है ना बेबी, हाय बेबी स्पिनिच, ये वाले पत्ते भी ना सैलेड में बड़े ज़रूरी हैं। और सुबह नाश्ते में तो ये मैं जो है ये ज़रूर खाता हूँ। थोड़े थोड़े से ना इनको सेक लगा के पैन के अंदर हल्का सा। अच्छा जी, ये हो गया, टमाटर अभी लगे नहीं। और फ्रेश धनिया देसी, ये देखें जी, थोड़ा सा ये भी तोड़ता हूँ। सैलड बनाते हैं और फिर इसको मज़े से दोपहर के खाने के साथ। ये भी हो गया जी। अब हम ले लेते हैं थोड़े से पत्ते। ये देखें जी, ये कितना मज़ेदार पौधा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये निकलते रहते हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये थोड़े से और तोड़ लेता हूँ, बड़े बड़े पत्ते कोई भी। ये देखिए, ये हो गया ब्राउन। और ये मैं अपने तोतों को भी खिलाता रहता हूँ, पालक हो गई, सैलेड हो गई, वो भी एंजॉय करते हैं। ये हो गया जी ब्राउन वाले, और एक ये सादा सैलेड पत्ता, थोड़ा सा ये भी देखिए। ये देखिए, ये हो गया आइसबर्ग के पत्ते हैं, ये सादे वाले हैं और ये ब्राउन वाले हैं। ये सैलेड तैयार हो गया, अब इसमें टमाटर प्याज काटेंगे, लीमू और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल उस पर छिड़क के, काली मिर्चें और हल्का सा नमक, फिर हम इसको खाएंगे इंशाल्लाह। और
बड़ा मज़ा आता है। घर में आप ज़मीन नहीं है तो घर में कम से कम ये पत्ते सैलड के तो बड़े आराम से लग जाते हैं। इनका सीज़न है, अभी भी है, अभी भी आप लगा सकते हैं। और 15-20 दिन के बाद फिर करेले और किसी किस्म का भी फली और ये कद्दू लौकी का टाइम है, तो इंशाल्लाह हम वो लगाएंगे। अभी टमाटर नहीं हुए, टमाटरों का मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत घने इस दफ़ा हुए हैं, बड़ी मेहनत की है माली ने, बहुत घने पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं आपस में, इनमें ताकत बड़ी अच्छी आई हुई है। तो अभी आज इनको स्टिक लग जाएंगी ताकि फल जो लगे साथ में तो ये नीचे ज़मीन पर लग के ख़राब ना हो। तो वो स्टिक्स अभी बना रहा है, तो ठीक है, मैं सैलड बनाता हूँ और दोपहर का खाना खाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जो आज नए आए हैं पहली दफ़ा उनसे मैं ये कहूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ साथ, और लाइफस्टाइल साहिबा भी, बेगम साहिबा का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखें। अल्लाह हाफिज़।